नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए नाना पटोले ने शुक्रवार को अपनी जिम्मेदारी संभाली। विदर्भ से ताल्लुक रखने वाले पटोले ने मुंबई में समर्थकों के साथ ट्रैक्टर रैली निकाली। पटोले चार बार महाराष्ट्र से विधायक रह चुके हैं और सांसद भी रहे हैं। पटोले 2019 में बनी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में पहले स्पीकर चुने गए थे, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा देकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। पटोले को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस राज्य में अपनी जमीन फिर मजबूत करने की कवायद में जुटी है। ट्रैक्टर रैली में नाना पटोले के साथ भाई जगताप मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो उनके साथ है और कई मुद्दों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे अभी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं या चाहे फिर किसानों के हक के लिए हो। इस तरह से मोदी जी ने राज्यसभा में देश के किसानों को, आंदोलन करने वाले किसानों के ऊपर इस तरह का वक्तव्य किया, वो निंदनीय था। और किसानों ने जिस मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो काले कानून जो नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ मित्रों के लिए बनाए, उसका विरोध जो चल रहा है, ये महाराष्ट्र के पूरे किसान दिल्ली के आंदोलन के साथ खड़े हो गए हैं, ये संदेश इस माध्यम से हम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, और महंगाई के वजह से उसका कारण भी है कि इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जो जनता के जेब काटने का काम नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया और कर रही है, उसका भी मैसेज हम बैल मंडी से जाकर दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी, इस देश के जनता रुकने वाली नहीं है, तुम कितना भी अत्याचार करो, अब तुम्हारी सरकार बदल के रहेंगे, ये मैसेज उसके माध्यम से देंगे।